सभी को नमस्कार। मेरा नाम मल्लिकार्जुन आयता है। मैं 88% दिव्यांग हूँ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ। मैं विगत 26 वर्षों से सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा शहर से दिल्ली तक की सफ़र में मैंने 4 ऐसे संगठनों का निर्माण किया। 2 मूवमेंट्स के साथ जुड़े, स्वदेशी और फेयर ट्रेड फोरम जैसे मूवमेंट्स के साथ जुड़ के सीखने का और लाइवलीहुड्स में कुछ मॉडल्स को एस्टैब्लिश करने का मौका भी मिला है। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2 ऐसे कदम, विशिष्ट कदम लिए गए दिव्यांगजनों के लिए। RPWD एक्ट का आना और दिव्यांगजन शब्द का माननीय प्रधानमंत्री जी का उपयोग करना। 2019 में आइडिया नाम का एक संगठन का गठन हुआ, इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, जो दिव्यांगजन इंक्यूबेशन सेंटर, भारत का पहला एक ऐसा प्रकल्प हम लोगों ने शुरू किया। पिछले 4 वर्षों में आइडिया के माध्यम से 1058 दिव्यांग उद्यमियों को इंक्यूबेट किया गया। 30 से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ के साथ 50 डिस्ट्रिक्ट्स में और 9 राज्यों में ये दिव्यांगजन उद्यमी अभी अपना उद्यमिता की यात्रा शुरू किए हैं। ये 1058 उद्यमियों ने लगभग 2000 अन्य साथियों को रोजगार भी प्रदान किया है। केवल इतना ही नहीं, लगभग 4.5 करोड़ का एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें 42% सेल्फ इन्वेस्टमेंट इन दिव्यांगजन भाई बहनों ने किया है। इसके साथ जो बिजनेस शुरू हुई 2022 और 23 में 60 करोड़ का एक बिजनेस टर्नओवर इन सब लघु उद्यमियों ने किया है। 10,000 से लेके 1,00,000 तक का महीने का इनकम ये सब उद्यमी कमा रहे हैं इसके माध्यम से। ये समाज के सभी तरह का धारणाओं को चेंज करते हुए ये उद्यमिता का विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है। ये यात्रा को आगे ले जाने के लिए अन्य अन्य संस्थाएं और सरकारी विभागों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब भारत विश्व गुरु बनेगा उसमें दिव्यांगजन का योगदान भी सुनिश्चित करे, इस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इन सब में आपकी सहभागिता की और आपके मार्गदर्शन की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।